ये हमारा टेंथ स्टार का फ्लेम फोटोमीटर है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। इसके अंदर आप जो एलिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं वो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और कैल्शियम कर सकते हैं। फिलहाल जो फिल्टर लगे हैं, बेरियम मेडिसिनल आता है, तो अगर इन फ्यूचर आपको चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मशीन के साथ जाते हैं। ये हमारी मशीन है, मेन मशीन है, और ये कंप्रेसर है इसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट जो चीजें हैं वो मैं आपको कनेक्शन बता दे रहा हूँ। ये इसका चिमनी का पार्ट होता है, ये इस तरीके से कनेक्ट होगा। ये हमारा नेबुलाइजर है जो एस्पिरेशन के काम आता है, जिसमें हम सैंपल को एस्पिरेट करवाते हैं। ये वेस्ट है, ये कंप्रेसर का इनपुट है, मशीन की तरफ जा रहा है। कंप्रेसर के इनपुट को कनेक्ट करने के लिए दोनों साइड में ये स्क्रू टाइप लगे हुए हैं, ये देख सकते हो आप। ठीक है, इस पे चूड़ियां बनी हुई हैं, ये आपने इस तरीके से कनेक्ट करना है, और ये इसके ऊपर ऐसे क्लॉकवाइज ये टाइट होगा, एंटी क्लॉकवाइज ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सेम प्रोसेस हम इधर भी है, अपना जो कंप्रेसर की साइड है ये भी ऐसे ही है, जिसको यहां से आप एंटी क्लॉकवाइज आप खोल सकते हैं और क्लॉकवाइज को टाइट कर सकते हैं। तो ये हमें पूरा टाइट करना होता है दोनों तरफ, कहीं से एयर की लीकेज नहीं होनी चाहिए। ये जो रेगुलेटर लगा हुआ है, ये हम प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। प्रेशर जो हम सेट करना है हमें 0.4 से 0.6 के बीच में सेट करना होता है। चलिए मशीन के बैक कंट्रोल में आपको बताऊं, ये पावर का कनेक्टर है, ये ऑन ऑफ का स्विच है, इन दोनों के बीच में ये फ्यूज लगा होता है। ठीक है, ये हमारा इग्निशन का स्विच है, ये अपना गैस सिलेंडर से कनेक्ट होता है, गैस का इनपुट है, और यहाँ पे आप यूएसबी कनेक्टर लगा सकते हो, जिससे आपको डाटा प्रिंट मिलेगा। साइड कंट्रोल में एक गैस का रेगुलेटर मिलता है यहाँ पे आपको, जिससे आप गैस जो फ्लेम है उसकी हाइट को कम या ज्यादा, या इग्निशन करने के टाइम में वो आप फ्लेम को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके लिए स्टार्ट करने के लिए हम ये बैक साइड से जो ऑन ऑफ का स्विच दिखाया, वहां से हम ऑन करते हैं मशीन को और 5 मिनट्स का वेट करते हैं। इन बिटवीन हम अपना कंप्रेसर ऑन कर लेंगे, और कंप्रेसर का जो हम प्रेशर रखते हैं वो 0.5 सेट किया हुआ है फिलहाल। गैस इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर आता है हमारा, हम गैस को ऑन करेंगे, गैस को इग्नाइट करने के लिए। तो उसके लिए ये गैस का रेगुलेटर एक आपको यहां मिलता है, एक सिलेंडर में आपका लगा हुआ है। मेक श्योर कि जब आप इसको ऑन कर रहे हो तो ये वाला जो रेगुलेटर है ये क्लॉकवाइज बंद होता है और एंटी क्लॉकवाइज गैस ओपन होती है, तो इसको क्लॉकवाइज पूरा टाइट कर लेना है। और एक प्रिकॉशन ये रखना है कि कभी भी जब आप ओपन कर रहे हो गैस को, तो 90 डिग्री से ज्यादा उसको रोटेट नहीं करना है, सिंगल टर्न इससे कम ही करना है। तो हमने यहां से इसको रोटेट किया, अपना गैस रेगुलेटर से यहां से ऑन किया सिलेंडर से, उसके बाद हम इसको 90 डिग्री रोटेट करते हैं। उसके बाद एट द इमीडिएट टाइम हम इसको यहां से प्रेस करेंगे अपने इग्निशन स्विच को, और ये हमारा इस तरीके से यहां पे फ्लेम जल जाएगा, आप देख सकते हो। अगर आपकी फ्लेम येलो आ रही है तो आप इस सेम रेगुलेटर से उसको ब्लू कलर का सेट कर सकते हो, और जो हम फ्लेम डिस्टिल वाटर में सेट करते हैं वो कोनिकल ब्लू फ्लेम सेट करते हैं। तो आप इस रेगुलेटर को हल्का रोटेट करके, इसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो होता है, तो आप रोटेट करके थोड़ा सा वेट कर लें 4-5 सेकेंड, उसके बाद फिर से अगर सेट ना हुआ हो तो आप दोबारा सेट कर सकते हैं। टोटल हमारा मोटो ये रहता है कि हमने ब्लू फ्लेम सेट करना है इसके ऊपर, विद डिस्टिल वाटर और विदाउट डिस्टिल वाटर। ये कुछ इतनी हाइट का आपने ब्लू फ्लेम सेट करना है विदाउट डिस्टिल वाटर, जब आप डिस्टिल वाटर लगाएंगे हो सकता है तो, बट मेक श्योर कि ये ब्लू ही रहे। अब आप देख सकते हो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट है स्टिल ब्लू ही है ये। तो ये हमारा प्रोसीजर है, वो हम इस पे सेटअप करते हैं कि कोई मेथड आपको सेट करना है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम या कैल्शियम, जो भी सेट करना है। तो उसके लिए आप 2 नंबर ऑप्शन पे जाते हो, कोई भी ऑप्शन चूज करने के लिए आपको सेम न्यूमेरिक बटन यूज करना है। जैसे अगर सेटअप पे जाना है तो मैं 2 नंबर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे 10 फाइल्स आपको दिख रही होंगी 0 to 9, आप कोई भी एक फाइल चूज कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने 2 नंबर चूज किया है। इसके बाद ये आपसे पूछता है, मशीन पूछती है कि आप जनरल टेस्ट कर रहे हो, सीरम या यूरिन कर रहे हो। तो जो फिलहाल हमारा जनरल है, वाटर और सॉइल टेस्टिंग हम जनरल में करते हैं, तो जनरल प्रेस किया। इसके बाद अगर कोई डाइल्यूशन फैक्टर है तो ऐड कर सकते हो, यूनिट अगर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट एंटर करेंगे हम नेक्स्ट की तरफ। अब यहां से एलिमेंट सिलेक्शन के लिए आता है कि कौन से एलिमेंट आपने करने हैं। तो सेम जो न्यूमेरिक दिए हुए हैं उससे सिलेक्ट भी होता है और अनसेलेक्ट भी होता है। जैसे अब मैं करके दिखाऊं तो सोडियम अभी सिलेक्टेड है, मैं अगर 1 नंबर प्रेस करूंगा तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम भी अनसेलेक्ट कर देता हूं। अगर मुझे लिथियम चाहिए तो मैं 3 नंबर प्रेस करूंगा, सॉरी कैल्शियम हुआ, और ये 4 नंबर पे लिथियम है हमारा। तो 3 और 4 मैंने सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट हम एंटर जब करते हैं तो ये पूछता है कि कितने स्टैंडर्ड्स आप लगा रहे हो, नॉन स्टैंडर्ड्स। तो फिलहाल मेरे पास सोडियम का 1 है, सॉरी कैल्शियम का 1 है, 3 का 1 और 4 का भी 1 ही है मेरे पास। तो दोनों मैंने 1-1 कर लिया।
एटलीस्ट आपको जनरल कंडीशन में तीन स्टैंडर्ड चाहिए होते हैं, तो आप तीन भी कर सकते हो, जैसे तीन का मैंने तीन कर दिया और फोर्थ का मैंने तीन कर दिया, ये हमने तीन तीन कर लिए। एंटर करोगे तो आपसे पूछेगा क्या क्या वैल्यूज हैं आपके स्टैंडर्ड की, नॉन स्टैंडर्ड की। फिलहाल जो सिलेक्टेड है उसमें 180 और 50 है, अगर आपका डिफरेंस डिफर है तो आप वो जो स्टैंडर्ड आपने बना रखे हैं वो सेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी फिलहाल 100 है, 50 है और 20 है, तो मैं दूसरा सेकंड को चेंज करूंगा, तो आप देख सकते हो ब्लिंक करने लग गया, तो यहां पे 50 करूंगा और एंटर करेंगे हम स्टॉप करने के लिए। नेक्स्ट थर्ड में हमारा 20 है, तो 20 कर दिया, एंटर किया। इसी तरीके से आप कैल्शियम का भी कर सकते, लिथियम का भी कर सकते हैं। दो नंबर पे हमारा 50 है। मेक श्योर करें कि आप अगर दो एलिमेंट एक साथ कर रहे हैं तो दोनों के स्टैंडर्ड सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सोडियम आपके पास 30 का है और पोटेशियम आपके पास 50 का है, तो ये ख्याल रखना है आपने कि अगर कंबाइन कर रहे हैं तो दोनों स्टैंडर्ड सेम से होने चाहिए। इसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो ये कुछ मैसेज आता है कि जो पुराना डाटा है वो ओवरराइट हो जाएगा, तो हम एंटर कर देते हैं इसके, तो ये इसके बाद आपका सेटअप सेव हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर है, हम कैलिब्रेट करते हैं मशीन को। सेटअप आपको एक बार बनाने की जरूरत है, हर बार बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक बार सेटअप बना के उसको नोट कर सकते हैं, बट कैलिब्रेशन और एनालिसिस हम डेली बेसिस पे करते हैं। कैलिब्रेट करने के लिए तीन नंबर प्रेस करोगे आप, उसके बाद आप जो भी सेटअप नंबर आपने बना रखा है, जो भी सेट करना है आपने, तो फिलहाल एक नंबर सेटअप हमारा पोटेशियम के लिए, तो हम पोटेशियम टेस्ट करने वाले हैं, तो एक नंबर सेटअप पे मैं एंटर करूंगा। उसके बाद ये आपसे ब्लैंक मांगता है, बाकी के मैसेज ये प्री जनरेटेड है, तो आपको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के मैसेजेस को फॉलो करना है, स्पेशली आपको अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो इसने ब्लैंक मांगा है, तो मैं इसको ब्लैंक दूंगा, एंटर करूंगा। इसने 50 ppm का पोटेशियम मेरे से मांगा है, तो मैं यहां पे 50 ppm का पोटेशियम इसको दे रहा हूं। ये हमने लगाया, बीकर्स है, स्मॉल बीकर्स वो यूज करें तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। 50 ppm पे एंटर किया तो वो उसको प्रोसेस करेगा, इस प्रोसेसिंग में 30 सेकंड का टाइम लगता है, तो 30 सेकंड के बाद ये नेक्स्ट प्रोसेस करता है। स्टैंडर्ड प्रोसेस होने के बाद ये वापस ब्लैंक मांगता है आपसे, तो आप अपना स्टैंडर्ड रिमूव करेंगे और इसको वापस ब्लैंक में डाल के एंटर करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो कि दूसरा स्टैंडर्ड ये मांग रहा है मुझसे 25 का, तो मैं इसको 25 वाला स्टैंडर्ड दूंगा। और इन बिटवीन आफ्टर प्रोसेसिंग आपको 10 सेकंड वेट करना है, देन अगेन वो फिर से एंटर करने के बाद प्रोसेस करना है। ये एट द लास्ट ये आपसे ब्लैंक मांगता है, तो हम ब्लैंक में डालेंगे और एंटर कर देंगे। अब आप देख सकते हो कैलिब्रेशन डन लिखा हुआ आ रहा है, इट मींस मेरा कैलिब्रेशन हो चुका है। इसके बाद का जो प्रोसेसर है हमारा फाइनल, जो हम सैंपल एनालिसिस करते हैं, तो हम एनालिसिस एक नंबर पे जाएंगे। सेम यहाँ पे सेटअप है कैलिब्रेशन की तरह, कौन से सेटअप को आपने कैलिब्रेट किया है, तो आप एंटर करोगे। उसके बाद ये प्री जनरेटेड बैच नंबर एंड सैंपल नंबर आता है इस पे, तो आपने कुछ नहीं एंटर करना है, देन अगेन मैसेजेस को फॉलो करना है। जैसे कि मुझे ब्लैंक में डालना है, तो मैंने ब्लैंक में डाला है और एंटर कर दिया है। नेक्स्ट हमारा सैंपल, ये आपसे कह रहा है कि सैंपल में डालो, तो मैंने अपने एक्सप्रेशन ट्यूब को सैंपल में डाला है और एंटर कर दिया। 30 सेकंड ये वेट करेगा, उसके बाद आपको आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो 30 सेकंड प्रोसेस करने के बाद हमारे जो सैंपल का रिजल्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 25.3 आया है। तो इस तरीके से ये मशीन आपको सैंपल रिजल्ट दे देती है। नेक्स्ट के लिए आप जस्ट एंटर प्रेस करोगे तो वो आगे का प्रोसेस फॉलो। अब हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। आफ्टर एनालिसिस आप दो चीजें कर सकते हो, एक इसको वार्म वाटर में रखना है, जब आप बंद कर रहे हो तो जो 60 या 70 डिग्री का वार्म वाटर होता है उसको कम से कम 10 ml आपने इसको स्प्रेड करवाना है मशीन को। उसके बाद जैसे ही 10 ml वो पूरा हो जाता है, उसके बाद आप इस ट्यूब को निकाल के रख सकते हो और इसके बाद हम अपना बंद कर सकते हैं मशीन को। बंद करने के लिए सबसे पहले आपने सिलेंडर से गैस को बंद करना है, यहां से बंद कर देंगे। इसके बाद जब यहां से फ्लेम ऑफ हो जाएगी तभी हम आगे मशीन और कंप्रेसर को बंद कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो हमारा फ्लेम बंद हो चुका है यहां से, तो हम अब अपने मशीन को और कंप्रेसर दोनों को बंद कर सकते हैं। तो ये इसकी पूरी वर्किंग है।